हेलो एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल दिस साइड स्वीटी शर्मा होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं दिस इज द नेक्स्ट वीडियो फॉर यू एंड द टॉपिक इज वन वर्ड ट्यूशन जिसे एग्जाम में आप लोग फेस करते हो खासकर एस एस सी केवीए जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं उनमें दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और क्योंकि अभी हाल ही में आप KVS के के एग्जाम को फेस करने वाले हैं एस के सी एग्जाम को आप फेस करने वाले हैं एफ का एग्जाम आप देख रहे हो बहुत नियर बाय है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड वन वर्ड एंड द स्टेटमेंट इज टू मूव ंग क्विक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट जो जल्दबाजी में आप बहुत ही फास्ट वे से ट्विस्ट मार जाते हैं या फिर एक टर्निंग मूवमेंट आपकी लाइफ में है या फिर कोई भी स्टेप आप एकदम से फास्ट वे में टर्न कर जाए द वन वर्ड इज द स्टेटमेंट दिस इज रीजन डब्ल्यू आर आई डबल जी एल ई अगर हिंदी में हम इसका मीनिंग बताएं तो हिंदी मीनिंग इसका होता है झटपटाहट मतलब बहुत ही जल्दबाजी में कोई भी चीज करना या एकदम से मूव कर जाना सेकेंड स्टेटमेंट है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून अचानक से जो आपने कभी सोचा ना हो या जिसके आपने कभी उम्मीद ना की हो ऐसा कोई भी गुड फॉर्चून मतलब प्रॉफिट आपको मिल जाए या कोई भी अनचाही चीज आपको मिल जाए उस वर्ड स्टेटमेंट uh, के लिए वर्ड जो आप लर्न करेंगे अचानक से होने वाला लाभ उसे बोला जाता है विंडफॉल बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये वर्ड ध्यान रखिएगा अब बच्चे ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है स्टेटमेंट यही वो आपको लिख कर दे वर्ड्स का हेर फेर स्टेटमेंट में फ्रेजेस में वो चेंज करके दे सकता है तो ये ध्यान रखना आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड्स चाहे स्टेटमेंट चाहे फ्रेज वो कोई भी किसी भी तरीके से यूज करके आपको दे कंफ्यूज करने के लिए लेकिन बेस क्लियर करते हुए आपको चलना है कि वर्ड का मीनिंग मुझे पता है द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज एक ऐसी लिस्ट जिसमें पैसेंजर और लगेज को काउंट करके रखा जाता है दिस इज वेबल दिस इज डब्ल्यू ए वाई बी आई डबल एल नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली किसी भी पर्सन की एक ऐसी क्वालिटी जिसमें वो अपने माइंड को बहुत जल्दी चेंज कर जाता है उसे क्या बोलते हैं चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली दिस इज द वर्ड इज वेलेशन वी ए सी आई डबल एल ए वर्ड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो वीडियो कैसे लगा उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि जरूरत है तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज बता सकते हैं नेक्स्ट वन लॉन्ग हार्ट जर्नी स्पेशली ऑन फूड बहुत ही मुश्किल से जब आप एक लंबे रस्ते पर चल रहे होते हैं काफी हार्ड जर्नी है लॉन्ग जर्नी है तो उसे क्या बोला जाता है एक सिंगल वर्ड में आप उसे क्या बोलोगे दिमाग में वर्ड अगर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है या आपको यह आता है हिंदी में इसे बोलते हैं पद यात्रा और इंग्लिश में वर्ड होता है ट्रैक टी आर ई के द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लिस्ट और टेबल ऑफ ड्यूटीज पेबल ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट जो आयात तो और निर्यात पर चार्जेस लगाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है दिस इज टैरिफ टी ए आर आई डबल एफ जिसे हिंदी में कहा जाता है शुल्क सूची जैसे आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो टॉल हमें देना होता है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी पेबल होती है उनकी जो लिस्ट बनाई जाती है दिस इज टैरिफ नेक्स्ट एन एक्ट विच रिलीजन और कस्टम रिगार्ड एज फॉरबिटन जो फॉरबिडन होता है मतलब जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं जिस पर पाबंदी लगा दी जाती है जिसे खत्म कर दिया जाता है कि ये चीज नहीं आप करेंगे वो क्या होता है उस सिंगल वर्ड को आप क्या बोलेंगे जो एन एक्ट विच रिलीजन और कस्टम रिगार्ड एज फॉरबिटन जिसे हिंदी में बोला जाता है निषिद्ध, और वर्ड होता है टी ए बी डबल ओ टाबो

मनी पेड गवर्नमेंट टू मेक प्राइसेस लॉर इसे बोला जाता है सब्सिडी ये जैसे आप आ, हमारे एलपीजी सिलेंडर जब हम ले रहे होते हैं तो उसमें कहा जाता है ना कि आपकी जो सब्सिडी है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू तो वो बोला जाता है सब्सिडी जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुदान करना नेक्स्ट वन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट एन ऑर्डर Requiring a person to attend a court. hai ye? This is subpoena. What is subpoena? The spelling is S-U-B-P-O-E-N-A. The next statement is to trip when walking or running. मतलब जब आप वॉक कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं तो उस टाइम पर जो अः uh, ट्रिप किया जाता है मतलब जो आप लड़खड़ा जाते हैं एकदम से गिर जाते हैं संभाल नहीं पाते हैं खुद को दिस इज कॉल्ड स्टम्बल एस एस टी यू एम बी एल ई स्टम्बल इसे बोला जाता है लड़खड़ाना द नेक्स्ट वन अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज बहुत ही कम डिस्टेंस का एक वॉक जो आप प्लेजर और एक्सरसाइज के वे से करते हैं उसे क्या बोला जाता है जैसे स्ट्रॉल जैसे लंच करने के बाद या फिर डिनर करने के बाद आप सोचते हैं कि हम एकदम से बेड पर ना जाएं थोड़ा हम घूमे फिरे दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉल मतलब एक एक्सरसाइज के लिए या फिर आप अपनी खुशी के लिए प्लेजर के लिए हल्का फुल्का से जब आप वॉक करते हैं दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉल नेक्स्ट वन टू चौक अ पर्सन और एनिमल चौंक मतलब किसी किसी भी भी पर्सन को को या फिर एनिमल को जब कोई गला घोटकर मार दिया जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड बनाया जाता है दिस इज स्ट्रेंगुलेशन द स्पेलिंग इज एस टी आर ए एन जी ए टी आई ओ एन स्ट्रेंगुलेशन दैट मीन्स गला घोटकर किसी की हत्या करना नेक्स्ट वन एन एक्सपीरियंस पर्सन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यूर एग्जाम दिस इज वेटर वीई टी आर ए एम मतलब कोई भी अनुभवी इंसान तो गाइज ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वनवर्ड सब ग्रुपिंग होपफुली नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए नए वर्ड्स होंगे इट मे बी वो वन वर्ड हो सिमिलर वर्ड्स हो वर्ड्स हो या फिर फ्रेजेस का कोई ग्रुप हो सकता है कुछ इनसे अलग भी आपको मिल जाए या फिर कॉमन एरर्स का कोई पार्ट वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अटली बटली वर्ड्स या फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ तब तक टेक केयर एंड गुड लक